देर आए पर दुरुस्त आए। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आज जोधपुर से बड़ी खबर है। शनिवार 3 जून 2023 की खबर आई है। प्रदेश में जल्द ही की जाएगी 2998 पटवारियों की भर्ती। साथियों, जैसा कि मैंने बताया है या जैसा कि मैंने लिखा है, चाहे आप टाइटल पर समझो चाहे थंबनेल पर समझो, कि दिव्यांगों के लिए नई भर्ती है ना। तो साथियों, कई भाई ऐसे अब समझ रहे होंगे कि दिव्यांगों के लिए लिखा है, लेकिन इसमें दिव्यांगों का क्या है भाई, ये तो पटवारियों की भर्ती। तो मुझे ऐसे बताइए, क्या ये भर्ती दिव्यांगों के लिए नहीं है? हे देखिए, मैं ये जो चैनल है इस पर ज़्यादातर जो मैं कंटेंट डालता हूँ वो दिव्यांगों से रिलेटेड ही डालता हूँ, है ना। इसलिए मैंने दिव्यांगों के लिए नई भर्ती कहा है। और ये जो भर्ती, ऐसा नहीं कि इसमें दिव्यांग शामिल नहीं होंगे, है ना। मैं इसलिए जागरूक करवाना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि दिव्यांगों के लिए नई भर्ती, क्योंकि ये भर्ती चाहे दूसरों के लिए तो है लेकिन दिव्यांगों के लिए भी है। इसलिए मैंने दिव्यांगों के लिए नई भर्ती लिखा। इसलिए हम नाराज मत होइएगा कि इसने ऐसा लिख दिया, क्योंकि पटवारी भी उनके लिए है। इसलिए मैं आपको ये जागरूक करवाना चाहता हूँ कि पटवारी राजस्व विभाग में नई भर्ती आ चुकी है। पटवारी के 2998 नंबर पर जिनका लेवल फर्स्ट में जो है चयन नहीं हुआ, जो एसटीसी से या फिर बीए कर रखी उनके लिए, या फिर लेवल टू में जिनका नहीं हुआ तो वो बीए होंगे ही, जाहिर सी बात है। तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, जल्द से जल्द एक साल के अंदर वो सरकारी नौकरी, जबरदस्त नौकरी पटवारी को आप जानते हो, है ना। सैलरी इसमें सबसे बहुत अच्छी सैलरी होती है राज्य विभाग में, शिक्षा विभाग से भी ज़्यादा सैलरी होती है। तो चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए भी हो या दिव्यांग के लिए भी हो, बात तो एक ही है ना। फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसमें कैसे क्या है। देखिए, राज्य में जल्द ही 2998 पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। राजस्व मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव अगले सप्ताह राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। इसमें 1907 रिक्त पद है, जबकि इस बजट की वर्ष की बजट घोषणा के 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों ने 1035 नवसर्जित पद है। इसके अलावा 21 नवीन तहसीलों में, कितनी तहसीलों में, 21 नवीन तहसीलों में 56 नवीन पटवारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। इस तरह कुल 2998 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्व विभाग को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राजस्व मंडल प्रस्ताव भेजेगा। गौरतलब है कि इसमें पूर्व वर्ष जो है 2019-20 में 5,448 पदों पर पटवारी भर्ती हुई थी। राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद अभी क्या स्वीकृत हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी, चाहे वो नॉर्मल लोगों के लिए हो या दिव्यांग लोगों के लिए हो। तो इस तरह से तो ये एक अच्छी खबर ही जहाँ तक है वह मैं मानता हूँ। तो ठीक है साथियों, आप तैयारी अब ये शुरू कर दी ही दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बीए नहीं है। मेरे 2 साल ही है, थर्ड ईयर बाकी है, मेरे फाइनल ईयर बाकी है बीए के, बीएसटी चल रही है मेरे। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना साथियों। क्योंकि जिनका नहीं हुआ वो कसर निकाल सकते हैं, जिनका लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में नहीं हुआ वो कसर निकाल सकते हैं, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना साथियों। कैसा लगा अब ये सुनकर ये खबर, तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखे साथियों। मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बारे में आप क्या राय देते, ठीक है।